Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहले तो उनका डंडा छुपाना पड़ेगा। पहले मास्टर की तरह उनका बिस्तर भी गोल करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? आते ही लड़खड़ा देंगे। बोलिया लाओ, चलो मेरे साथ। बच्चों, ये हैं हमारे स्कूल के नए हेडमास्टर श्री हृदयनाथ जी। क्या नाम है तुम्हारा? गीता। स्कूल में सबसे समझदार तुम ही दिखते हो। लगता है सब बच्चे तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी बात भी मानते हैं, है ना बच्चों? तुम शक्ल से ही नेता लगते हो। मेरी शक्ल और नेता नहीं हो तो बन जाओगे यहाँ मेरे पास। बच्चों, आज मेरा तुम्हारे साथ पहला दिन। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। हमारा स्कूल आज से एक परिवार की तरह होगा, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे। लेकिन प्यार मोहब्बत से रहने वालों को भी कभी कभी आपस में शिकायतें हो जाती हैं। वो सब शिकायतें हम तक पहुंचाने के लिए आप किशन की मदद लेंगे। आज से किशन आपका नेता है। आओ बैठो। क्या हुआ? तुम सब बच्चों के नेता हो? समझ गया, शर्माते हो ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊँ। नहीं नहीं, आप मत बैठो। क्या बात है? अरे तो खुद भी नहीं बैठोगे, मुझे भी नहीं बैठने दोगे। इसलिए कि बदमाश ने कुर्सी के नीचे गोलियां रखी। मैंने तुम्हें कल ही मना किया था ना कि कोई शरारत नहीं करना, लेकिन तुम्हारी हड्डियों में उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक उसके डंडे नहीं पकड़ेगा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? उसकी खोपड़ी में कुछ अकल डालने के लिए। अगर डंडा इन लोगों की खोपड़ी में अकल डाल सकता है तो फिर आपकी हमारी क्या जरूरत? और रही शरारत, तो मास्टर जी ये बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम सफेद मूछ वाले करेंगे? और किशन बेटा, अगर तुम्हारी शरारत से मेरे बूढ़े की हड्डियां टूट जाती तो? मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी, फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये गलती नहीं थी बेटा, शरारत। जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था तो इसी स्कूल में इसी तरह शरारतें किया करते। हाँ, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता।
आज हेडमास्टर बनकर आया, लेकिन ये देखकर बहुत दुख हुआ कि गांव वैसे का वैसे। स्कूल की हालत तो पहले से भी खराब। पहले हम सोचते थे कि विदेशी हुकूमत है, ये मुल्क अभी तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन आज तो हम खुद इस मुल्क पर राज कर रहे हैं। फिर वैसी बदहाली, गरीबी और गंदगी क्यों? कभी आपने ये सोचा है? इसलिए कि हम सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी समझकर खुद कुछ नहीं करते, लेकिन अब हम खुद अपनी मेहनत से नया स्कूल बनाए। ये सामने जो बंजर जमीन पड़ी है ना, उसमें खेत उगाए, और जो लोग गांव छोड़कर शहर चले गए उन्हें वापस बुलाए, और देश को जो हर साल बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता है वो नहीं मंगवाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे होगा, है ना? होगा, हमारी मेहनत, हमारे परिश्रम। मैं आप सबको किसान बनाऊंगा, आपकी एक फौज बनाऊंगा जो हमारे गांव का, हमारे देश का नक्शा बदलता है, हमारे देश में इंकलाब ले आए। मेरे साथ मिलकर बोलो, इंकलाब, इंकलाब। आज मैं आप सबके सामने गंगा की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक ये सब कुछ नहीं होगा, मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठूंगा। और आज से हमारी प्रार्थना ये रहेगी, अपना देश विदेश के आगे हाथ न फैलाए, अपना देश विदेश के आगे हाथ न फैलाए। आज जहाँ है रेत, कल वहाँ खेत मुस्कुराए, आज जहाँ है रेत, कल वहाँ खेत मुस्कुराए। ऐसा करो, ऐसा करो के गांव गांव में गंगा लहराए, मेहनत का ही नाम है वो जिसको किस्मत कहते हैं, दो हाथों का खेल है वो जिसको दौलत कहते हैं, हम जहाँ पसीना बहाएंगे मोती वहाँ उगाएंगे, मोती वहाँ उगाएंगे, नदियाँ बांधे नहर निकाले, निकाले। नदियाँ बांधे नहर निकाले, खुशहाली छाए। ऐसा करो के गांव गांव में गंगा लहराए, हर एक चीज है अपनी, अपने हाथों क्यों तोड़े, अपने हाथों क्यों तोड़े, इसको बचाना फर्ज है अपना, क्यों सरकार पे छोड़े, हम क्यों सरकार पे छोड़े। अपना है भारत सारा, हमें प्रांत प्रांत है प्यारा, हमें प्रांत प्रांत है प्यारा, आपस के ही इन दंगों में, इन दंगों में, आपस के ही इन दंगों में
देश न जल जाए। ऐसा करो के गांव गांव में गंगा लहराए, अपना देश विदेश के आगे हाथ न फैलाए, कभी भी हाथ न फैलाए। आज जहां है देश कल वहां एक मुस्कुराए, कल वहां एक मुस्कुराए। अरे नाथ ये सब क्या है? अरे ये सब तो रोज मुझे गालियाँ देते फिरते हैं, तुमने इनसे जिंदाबाद के नारे कैसे लगवा दिए? कन्हैया लाल हमें गांव में स्कूल बनवाना है, उसके लिए चंदा चाहिए। मारे गए। नाथ स्कूल बनवाना है तो तुम गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलते? गवर्नमेंट क्या, अरे वही जो लोग सचिवालय में बैठे हैं, वो हमारे ही चुने हुए तो हैं, हमारे ही वोटों से तो सचिवालय गए। वो उन्हें सारा देश संभालना है, क्या हम सिर्फ अपने गांव को नहीं संभाल सकते? किसान होकर अपने बच्चों को किसान नहीं बना सकते? इन्हें खेती बाड़ी नहीं सिखा सकते? लेकिन मेरे बच्चे खेती बाड़ी नहीं करते हैं। मैं तुम्हारे बच्चों की नहीं, सब बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैं इन्हें इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो अनाज की समस्या है उसे हल कर सके। मैं इनके लिए जमीन खरीदना चाहता हूँ, हल और बैल खरीदना चाहता हूँ, ट्यूबवेल लगाना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। हम आपसे चंदा लेकर ही रहेंगे। सेठ कन्हैया लाल की, सेठ कन्हैया लाल की। बस बस बस, कान भरे हो गए। कितना चंदा चाहिए बोलो? ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए। बस मैं तुम्हें 101। सेठ कन्हैया लाल की, सेठ कन्हैया लाल की। लाइए लाइए चंदा लाइए। गणपत से गणपत से इसके लिए चंदा मांग रहे मास्टर जी? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि अपने बच्चे के लिए किताब खरीद सके, स्कूल की फीस दे सके। क्या तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं जाता? जाता था, फीस नहीं देने पर निकाल दिया गया। चिंता ना करो, हमारे नए स्कूल में तुम्हारे बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाएगी। और रहा सवाल चंदे का, तन शक्ति नहीं तो क्या हुआ? तन शक्ति तो है ना, इसके लिए हम हर वक्त तैयार है मास्टर जी। क्या बात, अपना मुंह देख। अरे तुमको क्या हो गया? और कई सालों के बाद जब सुदामा अपने बचपन के दोस्त कृष्ण कन्हैया से मिलने निकले तो सोचा कृष्ण के लिए सत्तू ले चले। लेकिन जब सुदामा कृष्ण की नगरी में पहुंचे और कृष्ण के दरबार की शान और शौकत देखी तो खुद ही शर्मा गए और वो सत्तू कृष्ण को नहीं दिया। लेकिन भला ये सत्तू कृष्ण की नजरों से कैसे बचता? मास्टर जी, ब्रिजी जमादार मर गया। चलो बच्चों का बाप। जी मास्टर जी, उसकी माँ बहुत रो रही है। चलो आप मेरे साथ। तो मैं बाबू की माँ, ये तेरा बेटा है ना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तू बेसहारा नहीं है, सब तेरे ही बच्चे तो हैं, सब बाबू के भाई। गाँव के सारे बच्चों को तुमने उस बच्चे का बेटा बना दिया? अरे इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, लेकिन तुमने मेरे बेटे को उनमें क्यों शामिल कर दिया? मुझे इस बात का बड़ा दुख है हृदयनाथ। तुम्हारे भीष्म को मैंने उस दुखचारी का बेटा कहा, उससे उस बिचारी का दुख कम हो गया। दुख और एक इंसान का दुख कम हो जाए इससे तुम्हें खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं कन्हैया लाल। और तुम तो शायद सिर्फ अपने सुख और अपने दुख तक ही सोचते हो। आज के युग में एक इंसान बगैर इलाज के मर जाए ये देखकर तुम्हें हैरानी नहीं होती? एक तरफ से इंसान आज चांद तक पहुंच गया और दूसरी तरफ यहाँ लोग बगैर इलाज के मर रहे हैं। अरे बाबा, जब गांव में अस्पताल ही नहीं है तो लोग बगैर इलाज के नहीं मरेंगे तो और क्या करेंगे? लेकिन अब ज्यादा देर नहीं लगेगी कन्हैया लाल, मेरा बेटा राम शहर में डॉक्टरी पढ़ रहा है, वो डॉक्टर बनकर यहाँ आएगा, अस्पताल खोलेगा, गाँव गाँव में जाकर लोगों की सेवा करेगा। जितना मेहनती और ईमानदार वह खुद है ना, उतने ही सबको बना रहे।
पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये बैग लेकर बॉस के पास पहुंचा दो, मैं जाता हूँ। अगर मैं पकड़ा भी गया तो पुलिस को मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। जाओ। कौन सा बैग? जो राम ने तुम लोगों को दिया था। अनोखा नाम का कोई आदमी 5 लाख रुपए के जवाहरात तुमसे छीन कर ले गया और तुम लोग मुंह देखते रहे। मैं पूछता हूँ राम कहाँ था? दोस्त को जवाहरात हमारे हवाले करके मोटरसाइकिल पर चला गया ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर ले तो उसके पास कुछ नहीं। और शट अप। हेलो मनचंदर साहब। यस मैं अनोखा बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? हुजूर आपके जवाहरात मेरे पास है और मैंने अंदाजा लगाया है कि उसकी कीमत 5 लाख रुपए है। आप अगर 1 लाख रुपए मुझे दे दें तो मैं वो 5 लाख के जवाहरात आपको लौटा सकता हूँ। नॉनसेंस, एकदम नॉनसेंस। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा और तुमसे मैं अपने जवाहरात भी वापस ले लूंगा। मुझे सिर्फ राम का इंतजार है, समझे? सुनो। हेलो, है बॉस, मैं राम बोल रहा हूँ। मुबारक हो बॉस, मुबारक हो। जवाहरात मिल गए आपको? क्या हाथ मिल गया बस्तुदार। वो अनोखा नाम का लफंगाइन बेवकूफ से तमाम जवाहरात छीन कर चला गया। राम तुम इसी वक्त पहुंचे? बॉस मैं फौरन आ रहा हूँ। लेकिन बॉस ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके आदमी अनोखा से मिले हुए हो। हो सकता है। मुझे इस बात का कैसी यकीन आए कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है और तुम लोग अनोखे से मिले हुए नहीं हो। हमें अपनी जान के लिए बहुत चाहिए, इसका भी सबूत चाहिए, समझे? बोलो। मैं कहता हूँ सब सच बोलो। हम सब सच बोलते बस। हमें जब हरा देने के बाद पूरा मोटरसाइकिल से चला गया था बस। यहाँ तक तो सब ठीक है मगर इसके बाद वो अकेला और तुम सब चार, वो तुम सबको लूट कर कैसे चला गया? ये बहुत चार है। आप तुम सब कधे हो? देखो सच सच बता दो वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। यस मैं अनोखा बोल रहा हूँ। क्या सोचा? मैं शाम तक इंतजार करूंगा। ऑल द लाइन प्लीज। हेलो, मैंने पहले भी ऑफर दी थी, 5 लाख का माल मैं 1 लाख में बेचने को तैयार हूँ। ठीक है, डन। एक लाख। लेकिन ये बताओ कहाँ और कितने बजे मिलना होगा तुमसे? कल सुबह अरनाला सी से। अपने साथ किसी और को न लाना वरना पछताओगे। ठीक है, कल सुबह अरनाला सी से तुमसे मुलाकात होगी। राम मैं एक दफा अनोखे की शक्ल देखना चाहता हूँ। सेठ जी आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। 1 लाख? सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? 1 लाख रुपए में आप 5 लाख रुपए खरीद रहे हैं, इससे ज्यादा सस्ता सौदा और क्या हो सकता है? और फिर अगर मुझे मौका मिला तो मैं जवाहरातों के साथ साथ अनोखे को पकड़ के आपके सामने लगा खड़ा कर दूंगा। क्योंकि ख्याल रहते ना तो इन गधों में से कोई वहां होगा और ना आप होंगे। राम हाँ नारा तो मेरी बेटी है ना, सदा वो अपनी सहेलियों के साथ गई हुई है कि उसे किसी तरह का शक पड़ गया तो भाई शक पड़ेगा सेठ जी।
मॉर्निंग। तुम गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दोगी इस चीज को, जिसे मैंने कई बार कहा है अगर एक बार मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा तो फिर गुड इवनिंग, फिर गुड नाइट, फिर आई लव यू तक पहुंच जाएगी बात, मालूम है? अरे चाबी, ये चाबी किसकी है? ए जाने मन, तुम्हें तो सबसे पहले चाहिए था बज्म में आना, कहेंगे लोग क्या शम्मा परवानों के बाद आई। अरे जाने मन, ओए जाने मन, आप हमसे मोहब्बत न कीजिए, जाने मन आप हमसे मोहब्बत न कीजिए, देखिए दो दिन में आपका चेहरा उतर गया, देखिए दो दिन में आपका चेहरा उतर गया। जाने मन, जनाबे मन, मैंने जिसको प्यार से देखा, देखा कभी, मैंने जिसको प्यार से देखा, देखा कभी, अरमान बनके, अरमान बनके उसके दिल में उतर गया। जाने मन, आप हमसे मोहब्बत न कीजिए, जनाबे मन, जाके है आईना को देखिए, जाने मन, जनाबे मन, ला 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 ला। आशिक है मर भी जाएंगे, देख आशिक है मर भी जाएंगे, लेकिन नया जन्म लौट आएंगे, मिलेंगे तुम्हें फिर सनम हम, मिलेंगे तुम्हें फिर सनम हम, इश्क तुम ही से हम फरमाएंगे, इश्क तुम ही से हम फरमाएंगे। अकड़ते क्या हो अपनी दांत देखो, अकड़ते क्या हो अपनी दांत देखो, छोटे मुंह और बड़ी बात देखो, इश्क हमसे करोगे या खुद होता है
इश्क हमसे करोगे क्या हो सोचा है जरा देखो अपनी औकात देखो जरा देखो अपनी औकात देखो रोती रहोगी रातों को अरे रोती रहोगी रातों को लकियों से लिपट लिपट के लकियों से लिपट लिपट के अरे इश्क नहीं है इश्क नहीं है ऐसा नशा जो चढ़ के उतर गया जनाबे मन जाने मन ओ जाने मन आप हमसे मोहब्बत न कीजिए देखिए दो दिन में आपका चेहरा उतर गया जनाबे मन ओ जाने मन जनाबे मन जनाने मन क्या हुआ वो फैंसी ड्रेस में बुढ़ा खड़ा है जानते हो कौन है नहीं तो नहीं एक नंबर का बदमाश है जवान जवान लड़के लड़कियों की तस्वीरें खींचकर उनके माँ बाप के पास पहुंचाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कमबख्त बगल में कैमरा भी लटकाए हुए हैं रॉली फ्लैक मेड इन यूएसए ये बात है यही बात है अब उसकी फोटो जाते हैं हम खींचो जाओ खींचो जम के खींचो मगर बेटा इसमें कलर में ही खींचना जरिए तुम हुआ कैसे बेवकूफ मेरी बेवकूफी से चलते चलते पाँव रपड़ गया मैं ठीक हूँ मैं अभी आया देखिए आप आए गुड आफ्टरनून बाबू राम जोहार आज लाए ये भैया मैं वहाँ सनोफे का फोटो खींचने के लिए पहुँच गया था सनोफे का फोटो खींचने के लिए तो मैं भी वहाँ गया था लेकिन मालूम है आपको फोटो खींच सके एकदम नॉनसेंस डैडी गुड आफ्टरनून कितने तस्वीरें देखे डैडी मुझे नहीं दिखाएंगे नहीं देखिए मेरी तस्वीर है देखिए आपकी शक्ल देखनी काफी है यही तो बात है कि आपके डैडी भी जब तक मेरी शक्ल नहीं देख लेते हैं चैन नहीं आता है क्यों बॉस अच्छा बॉस अच्छा अरे बाप रे मैं पैसे एक दो तीन चार पाँच ये तो सारा बैग फुल है थोड़े से मैं ले लेता हूँ राम राजू चोरी करता है मैं चोरी करूं तो हराम दादा और तुम जो मेरी चोरी और तुम्हारी चोरी में जो फर्क है काश तुम उसे समझ सकते राजा मैं चोरी करता उन लोगों की जो देश को धोखा देकर जनता का खून चूसता कानून की आंख में तुम झोंक कर अपनी चोरिया बन गया और तुम चोरी कर रहे थे उन पैसों की जो मैंने सिर्फ उन भूले भटकों के लिए रखा है जब तक गांव छोड़कर शहरों में आकर कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारते हैं गंदी गलियों और चारों में रहते हैं एक दिन अमीर बनने की उम्मीद में फुटपाथ से जीते हैं फुटपाथ से मचाते हैं धर्म बैठी की गाड़ी उनकी लाश के साथ साथ उनकी उम्मीदों का जनाजा लेकर चली जाती है तू आज तक ये भी नहीं जान सका कि ये चोर अपने लिए चोरी नहीं करता है बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए चोरी करता है जो वापस अपने अपने गांव जाने के लिए तैयार हो जो खेती बाड़ी करके अपने साथ साथ देश की हालत सुधारने को तैयार हो
अपना माथा काय फोड़ रहे हो? माथा नहीं फोड़ रहा हूँ कन्हैया लाल, जमीन यूं ही बंजर पड़ी थी, सोचा उसे साफ करके स्कूल के आगे बगीचा ही लगा दिया था, और यहाँ वहाँ यह सब खेती बाड़ी उगा दी था, तो बच्चों को ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और इनकी मेहनत से कुछ भूखे पेट भी भर जाएंगे। मैं कहता हूँ काय को खून पसीना एक कर रहे हो भाई, यहाँ कुछ भी पैदा होने वाला नहीं भाई, ये जमीन बांझ है बांझ। इससे जल्दी भूल गया कन्हैया लाल, बचपन में एक सांस नहीं पड़ा था कि जमीन माँ होती, और जो माँ हुई वो बांझ कैसे हो सकती है? तुम देख लेना कन्हैया लाल, एक दिन इसी जमीन में कुछ ना कुछ पैदा होकर ही रहेगा, ये मेरा विश्वास। विश्वास है ना, लगे रहो लगे रहो, अपना काम समझाने का था समझा दिया, लगे रहो भाइयों लगे रहो। मास्टर जी ये चिट्ठी पढ़ दीजिए। अरे फिर चिट्ठी भेज दी कुछ नहीं है। मास्टर जी जो एक बार शहर चला जाता है लौट के कभी नहीं आता। अरे हो राम अवतार, हे राम दुलार, अरे हो राम आधार, अरे आई गवाह हो घर से तार, आज तो खुल गवाह है हमार तकदीर का ताला। क्या बात हो लाला? अरे गाड़ी चढ़ गई है हमार गोरी बाला। तो का हुआ? अरे का हुआ, जब आई है वो गांव से हमार गोरी बाला, हमार गोरी बाला, जब आई है वो गांव से हमार गोरी बाला, हमार गोरी बाला, बिना बिजली के, बिना बिजली के, बिना बिजली के हुई जाई है गोली माँ उजाला, जब आई है वो गांव से हमार गोरी बाला, हमार गोरी बाला, हमार गोरी बाला। ना कोई झके ना, हम बाहर जब जाई है लगा जाई है ताला, जब आई है वो गांव से हमार गोरी बाला, हमार गोरी बाला, जब आई है वो गांव से हमार गोरी बाला, हमार गोरी बाला। सच है ये सोच के चुनो, भाई क्या बात है, और जब जाएगा शहर से गोरी का घर वाला, क्या समझे, और जब जाएगा शहर से गोरी का घर वाला, बिना बिजली के, ओ बिना बिजली के गांव में खो जाएगा उजाला, जब जाएगा शहर से गोरी का घर वाला, गोरी का घर वाला, हाँ गोरी का घर वाला। छोड़ बनारस इलाहाबाद क्यों आ गए बम्बई पूना, क्या करे, हाँ छोड़ बनारस इलाहाबाद क्यों आ गए बम्बई पूना, खेती बाड़ी छोड़ी काहे गांव किया क्यों सुना, जब कोयला पहुँचाना था घर घर, जब दूध लिए फिर ना था दर दर, यहाँ पान पे लगाओगे चूना, यहाँ पान पे लगाओगे चूना, करो खेती कमाओ वहाँ दूना, तुम जो चाहोगे वही पाओगे, तुम जो चाहोगे वही पाओगे, मुस्काओगे, देगी सब कुछ वो मिट्टी जिस मिट्टी ने पाला, जब जाएगा शहर से गोरी का घर वाला, गोरी का घर वाला, जाएगा शहर से गोरी का घर वाला, गोरी का घर वाला। हे हो,
देखो ये है करमन के खेत, करमन के खेत, देखो रे देखो ये है करमन के खेल, जिनकी मिट्टी में सोना बेचे मिट्टी का तेल, बेचे मिट्टी का तेल। तुम अगर जान लो फर्ज अपना, देश का सच्चा हो जाए सपना, देश का सच्चा हो जाए सपना। जोड़ लो अपनी हल से जो यारी, हल हो जाए मुश्किल ये सारी, धरती गाएगी लहराएगी, धरती गाएगी लहराएगी मुस्काएगी, हल्की नोकों से खुल जाइयो किस्मत का ताला, है जब आएगा शहर से गोरी का घर वाला, गोरी का घर वाला, जब जाएगा शहर से गोरी का घर वाला, गोरी का घर वाला। बिना बिजली के चकई चक दूं, और बिना बिजली के गांव में हो जाएगा उजाला, जब जाएगा शहर से गोरी का घर वाला, गोरी का घर वाला, गोरी का घर वाला। लेकिन बाबू गोरी के घर वाला जाएगा कैसे? हावड़ा मेल से जाएगा, जैसे आया था ना वैसे ही जाएगा। बाबूजी, हाँ जी, गांव में पानी तो है ये नहीं, खेती बाड़ी का खास करो। गांव में पानी मिलने लग जाएगा तो क्या तुम शहर छोड़ दोगे? अरे जाओ बाबू, काहे हमार लोगन का मजाक करो। ठहरो ठहरो मुंशी जी, मेरी तरफ देख के बात करो। बताओ गांव में अगर पानी मिलने लग जाएगा तो क्या तुम शहर छोड़ दोगे? अरे हम इस शहर में एक मिनट न रही बाबू। ये हुई ना बात, ये लो 5,000 रुपए। लेकिन करो इसके पहले गंगा की कसम खाओ कि तुम इन रुपयों से जाकर वहां ट्यूबवेल लगवाओगे या कुआं खोदोगे, और फिर कभी भी अपना गांव छोड़कर शहर गंदी जिंदगी गुजारने के लिए वापस नहीं आओगे। हाँ बाबू, हम गंगा का कसम खा के कहा थे कि हम कभू इस शहर में थूके ना आओ। जय गंगे की। साहिब बोलो भाई। हमरे पास जमीनों कुआं है पर फिर भी पड़ल कम से कम 4,000 रुपया चाहिए चाहिए, और 1,000 रुपए खाद बीजन के लिए चाहिए, यानी टोटल 5,000। अच्छा भाई तुम भी रखो 5,000 अंदर, तुम भी कसम खाओ वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करोगे और देश की सेवा करोगे। हैं साहब, हम गंगा की कसम खाई का कहत इतना अनाज पैदा करब, इतना अनाज पैदा करब कि हमरे साथ साथ कई परिवार पेट भर भर का ही है। 50 परिवार का है तो तुम 100 परिवार का पेट भरो ना। लेकिन अपने से जो कर्जा लिए हो वो तो चुका सकते हो वचन से। असल सूद मिला के पूरे 8,000 बना था। 8,000 फिर तो हम का कहीं शेर के खाता भी आपका रहा, कलम भी आपकी रही। क्या बोला? अरे हम कहा बोले, हमारी काम मजाल है शेर जी, जबानी जमा कर रखो नहीं। एक दफे कह दिया कि 8,000 रुपया लिए आए के यहाँ गिन दो और अपन कागज पत्तर ले जाओ। हम तो कुल 2,000 लिए रहे थे। कब लिए रहे याद है? 4 बरिस हो गया। अरे दया करो शेर जी, कुल 5,000 रहा, 4,000 ले लो, 1,000 खाद बीजन के लिए छोड़ दो। एक दफे कान खोल के फिर सुन लो, 8,000 से 1 कौड़ी कम। हम बहुत गरीब आदमी रहे, दया करो शेर जी, हमारी विनती। ठन्नू, अगर तू गंगा की कसम खाकर कहता है कि आज के बाद गांव छोड़कर शहर नहीं जाएगा तो मैं तुझे तेरी जमीन दिला देता। मास्टर बाबू, मैं गंगा के कसम खाए का कहत हूँ कि अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कन्हैया लाल, इतना तो सोच। अरे ये जमीन तेरे पास बेकार बंजर पड़ी है, उसको दे देगा तो इसके साथ कईयों का भला हो जाएगा। और मेरा? मास्टर बाबू, 4 साल पहले 2,000 रुपया ले रहा, आज 4,000 देता हूँ। 2 के 4 मिल रहा है, इसमें तेरा कोई खास नुकसान तो नहीं होता। जमीन के कागज दे दे, और तू भी सुन, फसल तैयार हो जाए तो कुछ अनाज इनको ला के दे देना। बहुत अच्छा, जमीन के कागज दे। जनाब, तू मेरा बचपन का दोस्त, लेकिन मैं जिस जात का हूँ उसमें धंधे को पहले देखते हैं दोस्ती को बाद। आइंदा अगर मेरे धंधे में टांग अड़ाया तो समझ लेना कि अच्छा नहीं। अच्छा भाई, नहीं अड़ाएंगे, अब तो दे दो कागज इसे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर बाबू। कोई बात नहीं, शहर में कोई आपके सगे संबंधी रहते हैं? हमारा बेटा है, डॉक्टरी पढ़ता है वहाँ। आप ही की तरह बात करते हैं, आप ही की तरह गंगा कसम खाने उगाते हैं।
अरे हमारा बेटा हमारी तरह बात नहीं करेगा तो क्या तुम्हारी तरह करेगा? मिले मेरे राम को? अरे वही तो दिहन 5,000 रुपए दो आवर को। तो वो मेरा बेटा नहीं होता। अरे 100 रुपए तो सिर्फ भेजता हूँ मैं उसे, और वो बेचारा सुना है कि कुछ खर्चा पूरा करने के लिए ट्यूशन व्यूशन करता है। बाबू उनके ही निशान रहा ना, आप भाई की तरह यहाँ भी निशान रहा, लंबे चौड़े बड़ी बड़ी आंख रही। अरे वही तो है आपका बेटा, हमें देखत देखत 1,00,000 रुपए बांट दिया है लोगन में। वो मेरा बेटा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लो, लेकिन खाओ खत्म, आज से शहर का रुख कभी नहीं करो। मेरा तर्क खत्म नहीं, गंगा की कसम। गंगा कसम, गंगा कसम, यमुना कसम, रावी कसम, सतलुज कसम, व्यास कसम, कसम कसम, सत्य कसम, बस। आपने मेरे से बड़े अपना भी बात ना, अपना भी बात ना। देवरे चिपले, इतना बड़ा हाथ कहाँ से मार कर आया? कसम बजरंग बली की, हाथ मारा नहीं, मारने वाला वो कड़पया। अरे 5 के 50 भी बनाए तो नाम बदल देना। बीवी के लिए कौन सी साड़ी, साड़ी के लिए नथनी, बेबी के लिए फ्रॉक, और बाबा के लिए टोपी देवानंद साहिब की। अरे ऐसा हाथ मार के जाऊंगा कि फिर कभी वापस आऊंगा ही नहीं। लाभ और पत्ता क्या दिया है? सब कहता है तू वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि तू यहाँ से जाएगा ही नहीं। हेलो, आपकी बात बिल्कुल सच होती नजर आ रही। पहली बार आया था तो गुड मॉर्निंग, उसके बाद गुड आफ्टरनून, उसके बाद गुड इवनिंग, अगली बार आऊंगा तो गुड नाइट, और उसके बाद आई लव यू। डैडी आपको कितनी तनख्वा देते हैं? सिफारिश करके तरक्की कराने का राजा है जी? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 5-7 हज़ार रूपए तनख्वाह कमाने वाले को मुझे से लड़की से प्यार करने के ख्वाब भी कैसे आते हैं? ख्वाब कहाँ आते हैं अजी, ख्वाब तो उन्हें आते हैं जिन्हें शिकायत हो, और आपकी दुआ से मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। हाँ राम बोलो। मैंने टोस्ट डैडी के लिए रखा था। सामने टोस्ट पड़ा और ये मस्का पड़ा है, लगाइए टोस्ट में मस्का और खिलाइए अपने डैडी को। राम अगर मैं डैडी से कह दूँ कि तुम कितने बदतमीज हो, ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल देंगे डैडी, मगर कॉलेज में जहाँ हम तुम्हें कमरे में, क्या मेरा मतलब है कटने पड़ते हैं, वहाँ से तुम्हें निकाल सकते ना? ज्यादा दिन नहीं, मैं अभी कॉलेज छोड़ के अमेरिका जा रही हूँ। मालूम है क्यों? क्यों? मैं शादी करने वाली हूँ। हाय राम। ए राम सुनो भाई सुनो, आज 2 बजे की फ्लाइट से मेरे दोस्त का बेटा शंभू खन्ना अमेरिका से यहाँ आ रहा है, तुम उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुँच जाओ भाई। हाँ सुनो तो सही। वो पहली दफा मुंबई आ रहा है भाई, लड़का बहुत अच्छा है, और मेरा ख्याल है कि शुभा के साथ क्यों नहीं करना चाहिए, मगर मैं इस शंभू कव्वाल को पहचानूंगा कैसे? ओहो शंभू कव्वाल नहीं, शंभू खन्ना, मैं तुम्हें फोटो दिखलाता हूँ उसका, तुम पहचान जाओगे। देख अजीब किस्म के दौड़े पूछे। ओहो तुम जाओ ना, जाओ, टाइम बहुत कम है, जल्दी पहुँच जाना। अरे ओ मनसारा देखू जा रहा हूँ, लगता है गुड नाइट कहने का मौका नहीं मिलता। राम अगर राम। अरे जा रहा हूँ जा रहा हूँ। बिटिया चलो एक चाय बनाओ बढ़िया। शाबाश। जो जो मुझा आगा मेरे साथ बड़े चला जाएगा।
आप बड़े ही खुशकिस्मत। कैसे जी? मेरी होने वाली बीवी बड़ी ही खूबसूरत है जी। अभी जी है, आपकी होने वाली बीवी बड़ी खूबसूरत है। मस्त मस्त। बर्बाद हो गया। दौरा पड़ गया। ये दौरा खरीदना पड़ेगा आपको? हाँ, आपको ऐसा दौरा कभी नहीं पड़ता। जी नहीं अब पड़ेगा। अच्छा जी, जी रोको गाड़ी, ड्राइवर गाड़ी रोको 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 अच्छा मिस्टर श्याम। गन्ना नहीं खन्ना मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम नहीं मिस्टर राम, ड्राइवर। हाँ जी, एक काम करना, इस पत्ते पर इनको मालाबार ही पहुँचा। कहा साहब? मालाबार ही ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आए व्हाट इज दिस नॉनसेंस, तुम मुझे कहा जंगल में कहा ले आए हो? साहब साहब ने कहा था मालाबार हिल लेके जाना। मालाबार तो आ गया, हिल आने वाला है। मत भी, मत भी। ए, तुम मुझे कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? मत भी, मत भी। है? नहीं साहब, अपन छोटा आदमी आपको कैसे बेवकूफ बनाएगा। मत भी, मत भी। जो जी, कौन है आप? अनोखा। अनोखा भूमि जस्ट कम आउट। ये ड्राइवर बेहोश क्यों हो गया भाई? इसलिए कि मेरा नाम अनोखा है। मस्त भी मस्त भी। मालिक मालिक खन्ना साहब। अच्छा ये है मेरी बेटी खन्ना। मस्त भी मस्त। बिल्कुल अपने बाप ज्यादा सीख ली तुमने। योर डॉटर इज वेरी प्रिटी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। ये तारीफ झूठा नहीं है, सच्चा है। रास्ते में आपका आदमी ने आपका बहुत तारीफ किया। रास्ते में बीमार हो गया, बहुत रोया बहुत रोया। रोया? रोया, क्या तकलीफ है उसे? फिक्र मत कीजिए डैडी, मैं जानती हूँ कि क्या तकलीफ है। मस्ती मस्ती। बेटी सुधा जाओ, खन्ना साहब के लिए शरबत वगैरह का इंतजाम करो ना भाई। एक मिनट, बहुत ज्यादा बर्फ डालकर हिंदुस्तान नहाते के साथ हम बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं बॉस, मैं अपने डैडी को भी बॉस ही कहकर पुकारता हूँ, समझ जाता। हाँ सुनो बसुदास, बॉस का वर्ड हिंदुस्तान में बड़ा खतरनाक समझा जाता है। शंभू खन्ना साहब ने कोई लेटर वेटर दिया होगा? कौन खन्ना साहब? ठीक है ठीक है, कल बोर पहुंच जाएगी और शाम होने से पहले पहले 20,00,000 रुपया तुम्हें मिल जाएगा। मस्त भी। अब अटंकर इस वक्त मुझे 30,000 रुपया मिले। नाम सिंह एकदम नाम सिंह 30,000 रुपया क्या हूँ वो? मैं आपको जरा घुमाने ले जाता हूँ। लड़की भी आपकी और माल भी आपका। आखिर गुड नाइट कहने की घड़ी आई। क्यों गुड नाइट करना आपको अच्छा नहीं लगता? गुड नाइट ऐसे करते हैं तो शादी का क्या अमेरिका जाने वाले हैं, इसलिए गुड नाइट ये अमेरिका में कल नहीं होगी। जैसे कि शर्मा जी
इसका मतलब ये होगा तुमने आज तक किसी को गुड नाइट नहीं कहा। मैं शाम के बाद किसी से मिलती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। इतना बताओ उस कबूतर का क्या नाम है? राम। उसका नाम मतलब वो पागल है। मत भी मत भी। उसको प्यार करता है, समझ सकता है। उसको अपनी हैसियत देखनी चाहिए। जवान है, खूबसूरत है। अगर उसकी हैसियत मुझ जैसी होती तो भी तुम उसको प्यार की बात याद नहीं। मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। हेलो बड़ी खुशी की बात है लेकिन मैंने आपको अंदर नहीं रामू ने डाला था। राम ने डाला हो या श्याम ने डाला हो टैक्सी का ड्राइवर तो तुम बने थे। बना था लेकिन राम के कहने पर मेरा कोई दोष नहीं। नहीं क्यों? इसलिए कि देखिए मैं राम का चलता हूँ। अब आपका दिल जाऊंगा तो आप देखिए सच्चे होंगे भाई जी। मैं आपके लिए ठंडा पानी लेके आता हूँ। अभी वो कर रहे मुझे पहचाना नहीं। कौन है? खन्ना। खन्ना नहीं बे बल्कि खन्ना साहब के पाप। जी तो बात जी हाँ कमाल है। मिस्टर राम राम तुमने तो मेरा आधा खून नहीं चुका रहे थे। मैं तुमने वो लफड़ आ गया वो मुश्किल आ गया जटा लिया है। ब्यूटीफुल मस्ती मस्ती। गुड मॉर्निंग। अरे अब तो गुड मॉर्निंग का जवाब दे डालिए क्योंकि गुड नाइट कहने वाला और कोई आ गया। मतलब ये कि आपको डर था ना कि गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून से गुड इवनिंग और गुड इवनिंग से गुड नाइट और गुड नाइट से आई लव यू बात ना पहुंच गया। खैर इसका तो आपको चांस रहा है। छोड़िए बात। ये बताइए कैसे लगे गंदा था? मेरा मतलब है खन्ना साहब आपको आके बहुत अच्छे लगे। देवी बहुत अच्छे लगे। मुझे भी अति सुंदर लगे मगर उनकी मूछें जरा ज्यादा ही लंबी है। नहीं आपको उनकी मूछों से क्या लेना देना है? आपने मुझे किसी हेयर कटिंग सैलून का कटर समझ रखा है जो मैं उनकी मूछें काटता फिरूंगा? मैं तो इससे पूछता था देवी जब कभी वो मलाई दही या आइसक्रीम वगैरह खाते होंगे तो मूछों में जरूर लग जाती होगी। नहीं क्यों ये बताइए आप खन्ना साहब के फोन का इंतजार कर रही हैं? आप जाएंगे कि नहीं? हाँ जाऊंगा मगर 5 मिनट के अंदर उनका फोन आता ही होगा। जब तक मुच्छड़ का टेलीफोन नहीं आ जाता तब तक आप अपना दिल मंशा राम के बच्चे से ही बहलाइए। जिस दिन से आपने मुझे बुलाया था कुछ नहीं समझा मगर आपने बुलाया था कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो खन्ना साहब। अरे नहीं जी नमस्कार मैं राम बोल रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि उस का टेलीफोन आया है नहीं आया। आपको उस मुच्छड़ से क्या लेना है? मेरा मतलब खन्ना साहब से क्या लेना है? बदमाश देवी आपके मुंह से ये बदमाश का लफ्ज कितना शरीफ लगता है। क्या आप हाँ के बड़े में इतना खड़ा रखा है। हेलो खन्ना साहब। नहीं नहीं देवी मैं राम ही बोल रहा हूँ। अगर फिर दोबारा तुम्हें फोन किया तो डैडी से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। फुटपाथ पर घूमते हुए नजर आ बदमाश लोफर लिखते लफंगे। डार्लिंग डार्लिंग इट्स लव लव मैं खन्ना बोल रहा हूँ। मुच्छा साहब मेरा मतलब खन्ना साहब। क्या हुआ? I'm so sorry वो बदमाश राम बार बार फोन कर रहा था। मस्त भी इसलिए फोन बहुत जल्दी इंगेज आ रहा था। डार्लिंग आज सुबह जल्दी क्यों चले गए? मैं सब तो आ रहे हैं ना। नहीं डार्लिंग मुझे कुछ काम है शाम को मैं देर से लौटूंगा। गुड मॉर्निंग। आओ राम आओ। राम कल क्या तकलीफ हो गई थी? जी कोई तकलीफ नहीं। हाँ कल 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 वो थोड़ी पेट में नॉनसेंस एकदम नॉनसेंस है। देखो सोना हाल दोपहर को चांदी बंदर पर पहुंच रहा है। जी मैं अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए गुजारना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर आदमी राजा महाराजाओं की तरह जल्दी गुजारे। राम कभी कभी तुम्हारी बातें सुनकर मुझे डर सा लगने लग जाता है।
मैं आपका हमेशा उतना ही वफादार रहूंगा जितना कल था और आज हूँ। तुम आज मेरे वफादार हो या नहीं मैं तो ये भी नहीं समझ सकता। ये शाम तक सोना आपके गोदाम में होगा, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे। यस इंस्पेक्टर गोबर दिस साइड। इंस्पेक्टर साहब, एक मोटर बोट सोने की पेटियां लेकर चौपाटी की तरफ आ रही है, 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएगी। तुम कौन हो? नंबर 154। डोंट वरी। बहुत देर लगा दी आपने। आप थोड़ी देर और लगेगा। क्यों? मुझे तुम्हारे डैडी से बात करनी है। मैं भी जल्दी बात करूँ। मुझे तुम्हारे डैडी से कुछ लेन देन का बात करना है। किसी का लेन देन? राइट, लेन देन का। लेन देन का? हाँ, लेन देन। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे डैडी कुछ देंगे और हम कुछ देंगे। मालूम क्या, तुम्हारी बेटी उनकी बेटी का। अंकल, ओह गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पसन्ना। बस देखो, आज तुम्हारे साथ एक पैक विस्की जरूर पियो। हम पीते जरूर पीते, लेकिन आपकी बेटी को विस्की का वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हारा 20 लाख रुपए का है, अब ये बतलाओ किस्मत ले जाओगे या फिर कभी? किस वक्त ले जाऊंगा? अब फौरन इसका पार्सल भी कर दूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी बेटी को भी। नॉनसेंस, एकदम नॉनसेंस। क्या तुम मेरी बेटी का पार्सल करोगे? अब वो आपकी नहीं, मेरी बेटी। बॉय, एक दिन वन डे। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है सरदार, वरना इससे अच्छा खाना हमने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया। क्यों, अमेरिका में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता क्या? अमेरिका में? अमेरिका में तो मेरा बाप भी नहीं। अमेरिका में? अमेरिका में खाना तो जरूर अच्छा मिलता है, लेकिन क्या है कि उधर रहे चटनी नहीं मिलती। कहाँ? जब कभी वो मलाई दही या आइसक्रीम वगैरह खाते होंगे तो मुझे भी जरूर लग जाती होगी, नहीं? क्या हुआ? ठीक कह रहा था वो गम्बर। कौन गम्बर? वो बुराम है ना। क्या कहता था? कहता था जब आप आइसक्रीम वगैरह खाते तो मुझे में तो नहीं फट जाती। क्या? मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ। तुम निकाल दो। कौन, मैं? हाँ, मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो ये इधर उधर फैल जाएगा। अरे अरे, ये आपके मुझे यू ओल्ड जेंटलमैन। मेरा कहने का मतलब है बुजुर्ग शरीफ आदमी, वो उस दिन जो फोटोग्राफ खींचा था वो किधर गया? ओ, उस दिन के और आज के, आई मीन टू से बोथ डेज के। अभी हाजिर करता हूँ सर,
बोलो। ये लीजिए दोनों दिनों के फोटोज। For my quick work. Thank you. And that's all right. Yellow. Thank you, sir. Thank you. Oh. Arvo? Bo. Okay, sir. Good night. Good night. Good night. Good night. Oh. American style, eh? नहीं सर, सबको मैं धोखा देने को तैयार था। धोखा? अब तुम शादी के बाद अमेरिका नहीं जाओगे, बल्कि मेरे साथ हिंदुस्तान में ही रहोगे। सर, शुभरात्रि। शुभरात्रि महाराज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अनोखा मेरा नाम। कम ऑन। थैंक यू। हाजी राजा। हाजी इन्हें टैक्सी में बिठा कर भाजी के यहाँ पहुँचा दो और आपका बहुत जोर शोर से मन लगा कर इंतजार कर रही है। कौन हो तुम? मंजिल आपने क्या? हाँ अंकल, अंकल मैं हूँ शंभू खन्ना, द रियल खन्ना। नॉनसेंस, एकदम नॉनसेंस। इसका मतलब है जो पहले आया था वो नकली था। मस्त भी। मैडम अंकल, मैं आपके बेटे बेटे मैं आपके दोस्त विनोद खन्ना का बेटा हूँ। आपका आदमी जब शाम बीमार पड़ गया था ना, तो मैं टैक्सी में आ रहा था, रास्ते में एक अनोखे ने मुझे हमला कर दिया। अनोखा बताइए। तीन दिन कबर में बंद रहने के बाद मुझे अपनी शक्ल याद नहीं। मिस्टर श्याम, श्याम नहीं राम, मिस्टर गन्ना। गन्ना नहीं खन्ना, मिस्टर राम। मैं मुझे बंद क्यों कर दिया? तुम नहीं जानोगे मिस्टर खन्ना, लेकिन मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। वो चक्कर मेरे 20 लाख रुपए ठक्कर ले गया है। 20 लाख 20 लाख। हाँ 20 लाख। आपके बेटी के 20 लाख रुपए चले गए, इसलिए बोल रहा है आपकी रोशनी। मेरे तो क्या इसका मतलब है दो बार आपके चुम्बन लेकर चला गया। आपके डैडी को तो शायद 30 सालों के बाबत नहीं दिखा, मगर आपके चुम्बन यानी आपके गुड नाइट करना पड़ेगा। हे राम, अब तू ही मेरा सहारा है। ये सबका सहारा है। एकदम नॉनसेंस, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपके लोगों का गुलाम। सुनो, नकली खन्ना का पता चलाओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। 1 लाख कुछ नहीं है पिताजी, चरणों में सादर प्रणाम। आपने लिखा है काश मैं इस काबिल होता कि गांव के लोगों को वापस गांव भेज सकता। मेरे बस में होता वो लोग जो अपनी जिंदगी शहर के फुटपाथों पर गुजार रहे हैं उन्हें जरूर वापस गांव भेज देता, ताकि वो खेती बाड़ी करके न सिर्फ अपने परिवार का पेट भर सकते बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अनाज की समस्या का हल भी कर सकते। ज्यादा क्या लिखूं, आपका राम। मास्टर जी मैं तो भूल ही गया था, बोल क्या बात है। वो खाद बीजन के लिए तो पैसा दे रहे हो? वो पैसा ले रहा था। फसल कैसे हुई दल? फसल की का पूछा तो साहब, आपका पैसा बहुत बरकत वाला रहा। ऐसी फसल भाई, ऐसी फसल भाई, तबियत खुद पर खुश हो गई। और वो कन्हैया लाल, राम जाने कौन नियत से पैसा देता है, जब जब पैसा लिया तू खाई पड़ गया। भाई थोड़ा पैसा और ले लो। ठीक है, अब हम का गई साहब, आपका पैसा इतने दिन हमारे पास रहा, उसका कोई हिसाब किताब? मैं सूद नहीं लेता।
और फिर ये मेरे पैसे नहीं है, स्कूल के सामने जो फसल उगाई थी ना ये उसी के पैसे है। इसको जरूरत पड़ती है ले जाता है, जरूरत पूरी होने को दे जाता है। बहुत बढ़िया मालिक, तो ये पैसा नोरी में शामिल कर लो, कोई से काम आ जाए। हाँ ये मैं जरूर जयनाथ। सुना है आजकल बिना सूद के पैसे ले रहे, हमारे पास है ही क्या देने को, तो क्या क्या है। मैं शहर जा रहा हूँ तो वो बिजली की दरखास्त दस्तखत करके दे दो। अरे वो तो मेरे लिख के रखी हुई है, और एक सादे कागज पर भी दस्तखत करके दे दो, शायद कोई जरूरत पड़ जाए वहाँ। बीच में मत बोल भाई, ये काम पूरा होने दे पहले। तो मैं चला है? ये अच्छा नहीं किया हो मास्टर जी, पूरे कागज पे दस्तखत कर दिए हो। कन्हैया मेरा बचपन का दोस्त, वो मुझे धोखा नहीं देगा। मैं जानता हूँ आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल तो होना चाहिए। देखो बरखुदा, 20 लाख रुपए कोई छोटी रकम है नहीं, मुझे कुछ दिन और नहीं, मुझे पैसे की कोई फिक्र नहीं है। तो मैं तो अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, मैं सुधा को अमेरिका लेकर चला जाता हूँ, आप बाद में पैसे उसके नाम पर जमा करा दीजिएगा। तो ठीक है, मैं तो सुधा से बात कर लेता हूँ। लेकिन जब तुम्हें असली खन्ना मिल रहा है तो नकली के पीछे क्यों भागो? जिससे एक बार पति मान लिया, ओ, ओ, हमें क्या मालूम था धोखेबाज खन्ना बनकर आएगा और हमारे 20 लाख रुपए के साथ साथ तुम्हारा दिल लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। अब तुम ही बताओ इस तरह के धोखेबाज को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? ये तो चाहिए। फोन आया तुम्हारे लिए, जब सॉरी डार्लिंग, सॉरी माय फुट, इस वक्त तुम मेरे डैडी के 20 लाख रुपए लेकर आए थे। देखो डार्लिंग, अगर मैंने तुम्हारे डैडी का 20 लाख रुपए लिया होता तो क्या वो पुलिस में इतला नहीं करते ना? तो आज मुझे हमें गाड़ी नहीं मिला, मैं सब कुछ बता दूंगा। आधे घंटे आगे 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 बता। डैडी, डैडी इतना आधे घंटे बाद हमें गाड़ी जाने वाला है, उसको पता लगा पुलिस के हवाले कर दीजिए, फिर आप उसको दोबारा देखिए। वो सब कुछ मैं बाद में कर लूंगा, पहले मैं उसको मिलूंगा। हेलो राम, यस यस यस, सुनो धोखेबाज हमारे जाल में फंस गया। कौन कौन कौन? वही नकली खन्ना। जी जी जी, सुनो आधे घंटे के बाद महंगी गाड़ी पहुंच रहा है, तुम फौरन वहां चले जाओ, समझ गए ना? जी पहुंच जाएंगे। सुधा तुम यहाँ ठहरो, मैं उधर देख कर आता हूँ। आ गया, आ गया शिकार, आ गया। जाओ मुझे डब्बू देकर भाग लाओ, मुझे को भागो। नकली खन्ना, अगर तुम्हें असली खन्ना हो तो हम यार नकली खन्ना बोलता है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। राम सिंह बोलो, ये नकली नहीं असली खन्ना है। नहीं, इसकी मुंह से देखो ड्रामे की है, मेरी मुंह से बिल्कुल असली है। हाँ ये असली खन्ना है। अगर ये असली खन्ना है तो देवी नकली खन्ना किधर गई? क्या मालूम मुझे, क्या मालूम रानी रूपमती, उसे ढूंढो तलाश करो,
वो तुम्हारी तीन बार गुड नाइट करके तुम्हारे गलत समय दूर कर लाया। मेरे साथ साथ मेरी डैडी की गलत समय भी दूर हो चुकी है। आज 4 बजे मैं हैंगी गार्डन लेके इतने पकड़वा कर पुलिस के हवाले कर चुकी, लेकिन तो इतने धोखे बाद निकले फोन करने के बावजूद भी नहीं। मैं वहां आया था मगर आप मुझे पहचान नहीं सके। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ, तुम असली खाना नहीं कोई और हो। तुमने मेरे डैडी को 20 लाख रुपए का धोखा दिया और मुझे नहीं, आपको कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने तो तुमने मेरी मोहब्बत का ढोंग रचाया, वो धोखा नहीं तो और क्या था। सचमुच मोहब्बत थी, तुम चाहो जिस तरह याद पा। अगर मैं कहूँ कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो तो कर दूंगा। अभी और लेकिन ये सोचकर मेरे साथ साथ तुम्हारे डैडी को भी जेल जाना पड़ेगा। इस बात का जवाब ये है सदा कि मैंने तुम्हारे डैडी को 20 लाख रुपए का धोखा दिया है ना, लेकिन इस बात को उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं किया। तुम बता सकते हो इसकी वजह क्या? इसकी वजह क्योंकि तुम्हारे मन में कोई चोर नहीं है, इसलिए तुम पुलिस को बुलाने के लिए फौरन तैयार हो। इसका मतलब मेरे डैडी के मन में चोर है? तुम्हारे डैडी के मन में चोर नहीं है, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़े चोर है। देखो मैंने सिर्फ उन्हें धोखा दिया है, लेकिन तुम्हारे डैडी ने सारे देश को धोखा दिया। मैं कभी नहीं कहूंगा मेरे डैडी के बारे में तुम्हारे से शर्म नहीं है। सुनो हाँ, मैं हूँ राम, जिसने नकली खन्ना बनकर तुम्हें असली खन्ना से दूर रखा, जिसने गरीब किसानों की मदद के लिए तुम्हारे डैडी को 20 लाख रुपए का धोखा दिया, और वो इस डर से पुलिस तक भी न जा सके कि कहीं मैं उनका राज फाश न कर दूं। सुधा, तुम मुझे देवता समझती हो और मुझे धोखेबाज। क्यों नहीं, हर साल लाखों रुपए वो खैरात में देते हैं, कई खानदान उनकी मदद से जी रहे हैं, बड़े बड़े लीडर उनसे मशवरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी असलियत इससे मांग ले। तुम जानती हो 20 लाख रुपया स्मगलिंग के सोने का था, वो सोना जो तुम्हारे होने वाले पति मिस्टर खन्ना स्मगल करके हिंदुस्तान लाए थे। नहीं, मैं नहीं मानती कि मेरे डैडी। फिर कहो फोन पुलिस को, तब कैसे यकीन आ जाए कि जिन्हें तुम इतना बड़ा देश भक्त समझते हो कि तुम्हारे देश को ही है। मिलाओ नंबर। अगर तुम सच कहते हो कि मेरे डैडी एक स्मगलर हैं और देश के दुश्मन हैं, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर ये झूठ निकला तो समझ लो मुझसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कल शाम को मिस सूजी सिंगापुर से 5 लाख रुपए के हीरे लेकर आ रही है। रास्ते में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? वेरी गुड वेरी गुड। अब हो हेलो सूजी। हेलो हेलो सूजी, प्लीज सिट डाउन। हेलो वेलकम। बैठिए बैठिए। अच्छा सुनो, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नो नो, इट इज वेरी वेल, थैंक यू। सूजी, यू आर वेरी स्वीट। हम तो आपके बच्चे का माफी कर। नॉनसेंस, एकदम नॉनसेंस। फुल जानी नाम रोमियो नहीं, राजा राजा। Don't lie to me. You're my Romeo. No.
वो तो नाम है जरा तुम्हारा रोमियो नहीं आप ना? ना। तुम हमारा रोमियो नहीं हो सकता, हमारा रोमियो तो पानी में डूब कर मर गया। तुम क्यों मर गया? हाँ तुम्हारे जैसा था, हमको बहुत प्यार करता था। लाओ लाओ कैसे प्यार करता था डार्लिंग? हमको गोदी में बिठाता था, हमारे बालों से खेलता था, हमारे बालों से खेलता था। डार्लिंग रोमियो तो नहीं रहा लेकिन तुम है। लेकिन हम गरीब आदमी तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? वही कर सकता है जो रोमियो करता था, मोहब्बत। अभी करेंगे की बात में Why it's time? Tell me it's start now. My God, my tomorrow, हमारा darling tomorrow. पहले हमारे साथ शराब पीता। हम शराब नहीं पीता। अरे कमाल जब तू सुनी, तुम किस धंधे में? उस धंधे में तुम शराब नहीं पीती? हाउ कैन दैट बी? हैव वन, आप हमारा फादर का मासूम है, आप अपनी बेटी को शराब पिलाने को मांग? ओ शट अप, आई एम सॉरी। बस तुम यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आता हूँ। यू वेट हियर, अंडरस्टैंड? नो सर। आप अमेरिका के जंगलों से लौट कर आए हैं, तब से हमारी और आपकी ठीक तरह से बातचीत नहीं हुई। मिस्टर गन्ना? गन्ना नहीं, खन्ना। मिस्टर श्याम नहीं, राम खन्ना। आपके 5,000 रुपए क्यों डाले? कहीं खन्ना हेलो सब क्या चक्कर है? पहले नकली खन्ना और नकली सूजी। राम जी, तुम एयरपोर्ट से इसे लेकर आए थे ना? जी, मेरे आंखों के सामने हवाई जहाज उतरे थे। लेकिन एयरपोर्ट पर रिसीव करने हम तो ये नहीं आया था, ये आया था। नहीं, इसने हमको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, कार में रखा, डंडा मिलता हमारे सर पे डंडा मारा, हमारा मुंह कपड़े से बंद किया, हमको कपट में बंद कर दिया। मैं नहीं था। ओ हेलो ए भाई, तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम असली हो कि नहीं? मैं देखिए, काम कीजिए, इनकी मुझे चीज करने के लिए बनाई थी। आज से हम नहीं सुधा, तुम? हाँ डैडी, मैं आपका असली रूप देखने के लिए मुझे नकली रूप धारण करना पड़ा। लेकिन बेटी, ये तो आपका बिजनेस है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज के बाद आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपके लिए मर गई और आप मेरे लिए। आप उन लोगों में शुमार हो गए जो देश और जनता के दुश्मन हैं। इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ठीक 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 सुधा, क्या पिता के सामने ऐसी बातें कही जाती है? चलो मेरे साथ। पहले इस बात का फैसला होना चाहिए कि सुधा को सूजी बनाकर यहां लाया कौन, सूजी को एयरपोर्ट पर किसने रिसीव किया और किसने उसे कब्र में बंद किया है? जाहिर है नकली खन्ना ने। नकली खन्ना, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? मैं बता रहा हूँ, नकली खन्ना कोई और नहीं, आपका चेहरा राम है। राम तुम? अगर किसी ने जिंदगी कोशिश
छह गोलियां जवाब के उस पार उतार रहा है। जाओ आप पीछा करो इनका, लेकिन ध्यान रखो मेरी बेटी सही सलामत मेरे पास वापस आनी चाहिए। जाओ बेटी को लाए बगैर और उस बदमाश राम को पकड़े बगैर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां वापस आने की? हरकुलिस, इन सबको ले जाओ मेरे सामने से, और तब तक दूर ही रहना जब तक राम, सुधा और मेरी दौलत मुझे वापस नहीं मिल जाती। जा। बचे शोर क्यों मचा रहा है? बोल बोल। घर से ना की छठी औलाद वो देख सामने क्या किसी भी तरह से रोक दे, बैठा दे उसे। नहीं नहीं, पहली बार उसने मारा था तो दो घंटे बेहोश रहा था, अब मारा तो जिंदगी भर नहीं उठूंगा। हो गया ना यार, से इतना ही कर सकता है ना तू? बस तेरे लिए जान हाजिर है, मैं लेकिन क्या करूंगा। काम कर, काम कर, इसे हटा दे, रुला दे, पटा दे, गा दे। वो अंग्रेजी ड्रामे वाली ड्रेस है ना तेरे पास? जाना लाना। बच कर किधर जाएगा मुच्छर? धक्के बाद हम तुमको मिलने तुम्हारे घर को जाता था। घर वालों ने हमको निकाल दिया डार्लिंग। डार्लिंग जूलियट, तुम हमको इधर मिलो। यू नॉटी डार्लिंग रोमियो। घर वालों ने सिर्फ तुमको निकाला या तुम्हारे फ्रेंड को भी? तुम हमको मिलने आए या हमारा फ्रेंड को? तुम से लेकिन वो कहाँ है?
उसने हमको धोखा दिया, उसको हम भूल गया। डार्लिंग ये तुम भी उसको भूल जाओ। भूल गया हम तुमसे बात करें, हम तुमसे बात करता है डार्लिंग, उसका कुछ पता ठिकाना मालूम है? जब से हमने तुमको देखा हमको अपना अच्छा पता नहीं मालूम। देखो जब से वो पिस्तौल का खूबसूरत कट हमको मारा, कंद मारा, हम अपना माचक हो गया बिल्कुल लॉस्ट। लॉस्ट हाँ, लगता है लगता है अब तो मुझे मान ले कि अपना इन दो नैनों का पिस्तौल में हमको डिशू 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 प्यार का गोली मार के हमारा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ओ लीव मी डार्लिंग, तुम हमको मिलने के वास्ते आया था ना? हाँ। तो मिलो। ओहो हम इनोसेंट, हमको क्या मालूम तुम इतना बोर आदमी है, छोड़ो हमको। आई लव यू लीव मी, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। देखो 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 डार्लिंग, हम भी हाय तुम भी हो, अच्छा अच्छा वेदर हाय, न फादर हाय न मदर हाय, लेकिन यू नो डार्लिंग क्या हो, क्या घटा घनघोर हो, सावन का महीना हो, पवन का शोर हो। ओ, 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 लेकिन तुम बातों से बड़े बोर हो, बोर हो, बोर हो। ओ, मेरी बातों से तुम बोर हो गई हो तो हम बात नहीं करेगा, मेरी बातों से तुम बोर हो गई हो तो हम बात नहीं करेगा, जिस चीज का तुमको डर है डार्लिंग वो भी नहीं करेगा, लेकिन मौसम वंदर वंदर फूल, लेकिन मौसम बंदर बंदर फूल है, मेरी डार्लिंग भी ब्यूटी ब्यूटी फूल है, मूड बन गया है प्यार का, प्यार जरूर करेगा करेगा, प्यार जरूर करेगा, मेरी बातों से तुम बोर हो गए हो तो हम बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा डार्लिंग। जानोगे तब मानोगे, इतनी ऊंची चीज है हम, ये वक्त पहचानोगे, ये वक्त पहचानोगे, तुमको लेके जाएगा हर, तुमको लेके जाएगा दुनिया को जलाएगा, जलाएगा दिखाएगा घुमाएगा फिराएगा, हम ना किसी से डरेगा, मेरी बातों से तुम बोर हो गए हो तो हम बात नहीं करेगा, जिस चीज का तुमको डर है डार्लिंग वो भी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। खबर नहीं है हम कितना बड़ा लवर है, हम कितना बड़ा लवर है, तुम नियर नियर आ जाओ डियर, हमको नहीं खबर है, हमको नहीं खबर है, पहले कभी हुआ नहीं, पहले कभी हुआ नहीं, आगे कभी होगा नहीं, हुआ नहीं होगा नहीं, नेवर नेवर कभी नहीं, ऐसा प्यार करेगा, मेरी बातों से तुम बोर हो गए हो तो हम
बात नहीं करेगा, जिस चीज का तुमको डर है डालनी वो भी नहीं करेगा। लेकिन मौसम वंडर वंडर फूल है, मेरी डार्लिंग भी ब्यूटी ब्यूटी फूल है। मूड बन गया है प्यार का, प्यार जरूर करेगा करेगा, प्यार जरूर करेगा करेगा, प्यार जरूर करेगा। अब बस नहीं करोगे बाबा? लो बस बाबा, प्यार करेगा करेगा जरूर करेगा। सुधा, ये तूने क्या पागलपन किया है, एक दिन तू पछताएगी, बहुत पछताएगी। भगवान के वास्ते प्लीज रोना बंद करो, भगवान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बंद कर दिया दू एक लाफा खींच के, चले जाइए। कहा 20 लाख रुपया है आपके पास, आप क्या कहीं भी जा सकते हैं। देखो सुधा, 20 लाख रुपए तो क्या, एक तरफ दुनिया की सारी दौलत और दूसरी तरफ तुम। तो मैं दुनिया की सारी दौलत को छोड़ दूंगा मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मगर इतना और याद रखना, अगर एक तरफ दुनिया की सारी दौलत के साथ साथ तुम हो और दूसरी तरफ मेरा देश, तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा लेकिन अपने देश को किसी कीमत नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ ये जानती हो कि मैंने तुम्हारे डैडी को लूटा है, लेकिन क्यों लूटा है ये तुम्हें नहीं मालूम। मैं अपना सुधो उसी छत के नीचे गुजारूंगा बाबूजी। जिन बच्चों को संसार में लाया सिर्फ महीने में मनी ऑर्डर का रास्ता नहीं रखूंगा, बल्कि एक अच्छे बाप की तरह उनका पालन पोषण करूंगा। जिसके हम बिहार के लिए आएगा उसे कबो अकेला ना छोड़ो बाबूजी। और मैं भी गंगा की कसम खाकर कहता हूँ बाबू, जो लोग शहर में आकर कुत्ते की तरह रहते हैं, गाँव में जाने की हिम्मत नहीं रखते, मैं उनको तुम्हारी तरह रास्ता दिखाऊंगा। राम बाबू की जय, राम बाबू की जय। चलो भाइयों, राम राम बाबूजी। राम, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं, तुम किससे मदद करोगे? पता नहीं दादा, लेकिन ये मेरा एक सपना है और मैं इस सपने को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मुझे अपने साथ में आना। रास्ता बहुत कठिन है लेकिन मंदिर की तो खूबसूरत है। लेकिन इस खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम्हारे साथ रहना भैया ये पैसे? अरे भैया हमसे क्या पूछा था, वो मेहरबान इसी मकान में रहा था, जाओ कभी ना इनकार करिए। तुम लोग यहाँ ठहरो। मैं अपने साथ किसी और को नहीं लाया हूँ राम। बहुत अच्छा किया है रामन। अगर आधा माल तुम मुझे दे दो तो किसी और को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ। और अगर मैं आधा माल ना दूं तो? सोच लो, बहुत से और आदमी यहाँ घूम रहे हैं। उन सालों का सिवाय घूमने के और काम भी क्या है? बकवास बंद करो, मेरी एक मिसल पर सारे के सारे यहाँ होंगे। मिसल सुनने के बाद ना? मगर तुमसे किसने कहा कि एक शरीफ आदमी के मकान में आकर बुजुर्ग बजाओ, कितनी गलत बात है, इसे तुमने समझ लिया क्या? मुझे कौन रोक सकता है राम? अरे रोक तो नहीं सकता है रावण, मगर टोक तो सकता है। देखता हूँ। Thank you.
बाद आपका आना कहाँ से हुआ? बेटा, साधु और पंछी एक समान होते हैं। वो कब आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, इस बात का उनसे कोई सरोकार नहीं होता। महाराज बोलो। आज हमने रात में सपने में देखा हमारे यहाँ बहुत सोचे हुए स्वामी आए। महाराज आ? नहीं देवी, मनुष्य मय का त्याग करने के बाद ही साधु बनता है। भगत लोग इन्हें स्वामी देवानंद कहते हैं और मुझे विजय आनंद। कौन से आनंद? विजय आनंद। महाराज बोलो बच्चा। मेरे तीन लड़कियां हैं महाराज, लड़का एक भी नहीं। कोई उपाय बताइए। उपाय? मूर्ख प्राणी, दक्षिण दिशा में चक्षु घुमाओ, उपाय पकड़। पढ़ लो। दो या तीन बच्चे होते हैं घर में अच्छे, मगर मुझे लड़का चाहिए महाराज। ताकि वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने, बड़ा होकर तुम्हारी सेवा करे। हाँ महाराज। कठिन है? कठिन है। क्या है? कठिन है। हाँ क्यों महाराज? इसलिए कि क्या तुमने बड़े होकर अपने माँ बाप की सेवा की, बुढ़ापे में उनका सहारा बने? दिल तो बहुत करता है महाराज, लेकिन क्या करूँ, पगार बड़ी कम मिलती है, उसमें बीवी है, बच्चे हैं, गुजारा नहीं होता महाराज। वयस्क होने के बाद अगर तुम्हारे बेटे ने भी यही उत्तर दिया तो क्या करोगे? निरुत्तर हो जाओगे जिस तरह इस तरह हो। इसलिए अपनी इन्हीं तीन कन्याओं का भरपूर तरीके से पालन पोषण करो, ताकि बड़ा होकर ही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। क्योंकि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। डगर पन घटकी, डगर पन घटकी, डगर पन घटकी घटकी। इसलिए जाओ मूर्ख प्राणी, चिंता मुक्त हो जाओ। बोलो बोलो। महाराज महाराज, अबे महाराज इधर है। महाराज इधर है, मुझे क्या मतलब? ठीक है महाराज, आशीर्वाद देने आया था और लाभ दे दी। इसलिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुमने गंडक, कोशी, रावी, यमुना, सतलुज, व्यास के साथ साथ गंगा की कसम भी खाई थी और एक भगत से 5,000 रुपए लिए थे अपने गांव वापस जाने के लिए। हाँ महाराज लिए थे, लेकिन 5 के 50 बनाने के चक्कर में जुए में सब हार गया। लेकिन महाराज ये सब आपको कैसे मालूम? महाराज सब जानते हैं। अभी तक पता नहीं चला। एक बहुत पहुंचे हुए बाबा आए हैं। बाबा आए तो मैं क्या करूँ? आपका 20 लाख भी मिल जाएगा और आपकी बेटी भी। हम बाबा को लेकर यहाँ, वो किसी के घर पर नहीं जाते, आप वहाँ चलिए। अच्छा मैं करता हूँ। और आप जिसके लिए आए हैं वो एक कन्या है। हाँ महाराज। और उसकी आयु 20 बरस। हाँ महाराज। शर्म नहीं आती इस उम्र में 20 साल की लड़की के पीछे हो? नहीं देवी, ये जिस कन्या का चर्चा कर रहे हैं वो इनकी पुत्री है और दूसरा ये आए हैं धन के लिए। हाँ महाराज। दोनों मिल जाएंगे। मिल जाएंगे महाराज, लेकिन अपने मन से खोट दूर कर दो। महाराज मुझे इतना बतला दीजिए, मेरा राम कहाँ है? आंखें बंद करके अंतर ध्यान होकर देखो, तुम्हारा राम तुम्हारे सामने है। नहीं महाराज, मैं ऊपर वाले राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जो मुझे धोखा देकर भाग गया है। वो अपने गांव को नहीं चला? नहीं, कोई भी छली कपटी इतना मूर्ख नहीं होता है जो कपट करने के बाद अपने ठिकाने पे पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? ठिकाने पे। सही जा रहे हो, इसलिए जाओ जाओ, दूर हट जाओ मेरे नैनों के सामने से, वो तुम्हें मिलेगा अवश्य। जब तुम्हारे मन से खोट निकल जाएगा तब जाओ। इससे पहले कि बदमाश हमारे गाँव पहुँचे, मैं तुम्हारा गुरु हूँ जी। मेरे पापा जी। I'm sorry जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इससे पहले कि तुम्हारा बाप मेरे बाप के लिए कोई मुसीबत बन जाए, हमें गांव पहुँच जाना चाहिए। कहाँ पहुँच जाना चाहिए? गांव। गांव। बाला जी, ये आपके रुपए सूद समय, अब अपना कुछ नहीं लेना देना। या तो मुझे सूद देते जाओ, मूल अपने पास ही रखो ना, इस कुछ और काम आएंगे। ना बाबा ना, आपका सूद देते देते तो मैं बूढ़ा हो गया, और लाला जी अब अगर जरूरत पड़ी ना, मैं तैयार हूँ। मैं हृदयनाथ जी से ले लूंगा, वो तो बिना सूद के रुपया दे देते हैं। हृदयनाथ ने तो मेरा कारोबार ही चौपट कर दिया। तुम भी अपना सूद कुछ कम करो ना, लोग तुमसे भी लेते रहेंगे। अरे जेठा की माँ, मैं सूद कम करके ही क्या करूंगा, वो तो सूद नहीं लेता ना। तुमने भी कुछ कम नहीं किया, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, अब बैठ के भुट्टे भूनो। अरे मैं भुट्टे नहीं भूनूंगा, हृदयनाथ की तो मैं। मेहनत का ही नाम है वो जिसको किस्मत कहते हैं।
दो हाथों का खेल है वो जिसको दौलत कहते हैं, जिसको दौलत कहते हैं। हम जहाँ पसीना बहाएंगे मोती वहाँ उगाएंगे, मोती वहाँ उगाएंगे। नदियाँ बांधे नहर निकाले, नदियाँ बांधे नहर निकाले, खुशहाली छाए ऐसा करो के गाँव गाँव में गंगा लहराए। अपना देश विदेश के आगे हाथ न फैलाए, कभी भी हाथ न फैलाए। कन्हैया लाल लाल, ये कोर्ट के आदमी अपना पैसा वसूल करने के लिए जो तुमने मुझसे कर्ज लिया था, जिससे ये बिल्डिंग बनी, बैल खरीदे गए, खेत उगाए गए। ये खेत मेरे नहीं है कन्हैया लाल, इन बच्चों के हैं जिन्होंने चंदा मांगकर जमीन खरीदी, अपने नाजुक हाथों से इस पे हल चलाया और धरती को जरखेज बनाया, और आज जब फसल तैयार हो रही है तो तुम मालिक बनने चले आए हो। मैं फसल की बात नहीं कर रहा हूँ हृदयनाथ, फसल तुम्हें चाहिए तुम काट लो, लेकिन जमीन मेरे हवाले कर दो, क्योंकि जमीन का मालिक मैं हूँ और इसका सबूत वो कागज है जो कर्जा लेते समय तुमने दस्तखत करके मुझे दिया था। वकील साहब दिखाइए, दिखाइए, ये ये। कन्हैया लाल बोलो, इस कोरे कागज पर दस्तखत मैंने बिजली के लिए किए थे, तुमसे उधार लेने के लिए तो नहीं? और, अरे वो दिन हम वहाँ मौजूद रहे और ये दिन धनु हमका भी यही बताई रहे। अरे भैया ये धनु तो मास्टर का चमचा है, इनको बचाने के लिए कुछ भी कहेगा। कागज लाओ, कागज लाओ। हमारे मास्टर जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो मैं झूठ बोलता हूँ? देखो बात सुनो, अगर अब तुमने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो धक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देंगे। मास्टर जी इसकी ये हिम्मत के आपके खिलाफ बात करे। अरे बुढ़ाओ ज्यादा बोल बात तो तुम्हारी जबान खींच ले। बात मास्टर साहब, बच्चे तो आपके डर से अंदर चले गए, आपका कोई अपमान करे ये हमसे सहन ना हो सकत। मैं जानता था धन्नू कि तू सीधी तरह नहीं मानने वाला है, इसीलिए मैं अकेले नहीं आया हूँ। सामू खैरो कन्हैया लाल, जब तुम कोर्ट के आदमी और कागज लेकर आयो तो फिर इन गुंडों को लाने की क्या जरूरत? ताकि तुम्हारे गुंडों से मुकाबला हो सके। ये गुंडे हैं और गांव के सब लोग गुंडे हैं। अरे मैं पूछता हूँ ये शरीफ है, एक एक आदमी ने मुझसे कर्जा ले रखा है, ये सब चाहते हैं कि किसी बहाने में मर जाऊं और इनका पीछा छूटे। कर्जा तो इनमें से कईयों ने मुझसे भी ले रखा है, लेकिन मेरे बारे में तो ये कभी नहीं सोचते कि मैं मर जाऊं। मुझे इससे कोई गलत नहीं। ए कन्हैया लाल, हम डरतना है कि तुम गुंडन को लेके आए हो कि बदमाशन को, अभी स्कूल के हद से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मार मार के यहीं गाड़ देंगे। मुंह संभाल के बात। अरे हम मुंह से नहीं लाठी से बात कर रहे हैं। रुक जा धन्नू, धन्नू रुक जा, अब भारी गाली का क्या? हट जा मास्टर जी, आज तो एक एक लाश करा देंगे इधर। धन्नू मुझे गंगा जी कदम छोड़ देना, चल। कन्हैया लाल तेरी दुश्मनी मुझसे है, तू मुझे मरवाना चाहता है ना, तो कह दे इनसे उठाए अपनी लाठियाँ और खत्म कर दे मुझे। उठाओ लाठियाँ और बुझा लो अपने खून की प्यास, उठाओ उठाओ। कन्हैया लाल तू भले ही मेरा दुश्मन बन जाए, लेकिन मैं तेरा दोस्त ही बना रहूंगा,
चल चल तेरे घर बैठकर जमीन का फैसला कर। मैं जानता हूँ कन्हैया लाल कि तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है। यही ना कि मैं जरूरतमंदों को पैसा देता हूँ बगैर सूद के, इसीलिए तुम मुझे बदनाम करके स्कूल की जमीन पर कब्जा करना चाहते हो। जयनाथ मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम भी जियो और दूसरों को भी जियो। दूसरे भी जिये इसीलिए तो स्कूल की पूंजी में से उन्हें पैसा देता हूँ बगैर सूद के। भाई तुम जरूरतमंद है इसीलिए देते हो ना, मैं जरूरतमंद नहीं हूँ। 3 महीने से सारा धंधा चौपट करके रख दिया तुमने, अब कोई मुझसे कर्जा लेने नहीं आता तो मैंने सोचा जमीन पर ही कर्जा कर लू। मैं तुमसे विनती करता हूँ, विनती करता हूँ कन्हैया लाल इतना जुलम मत करो भगवान के लिए। पिताजी, हाँ पिताजी, आपने मुझे दुनिया में सर ऊंचा करके चलना सिखाया था, फिर आप ये क्या करने लगे? घुटनों पर गिरने के बाद सर तो झुक ही जाता है बेटे। कानून की नजरों में मैं इनका कर्जदार हूँ और वो कर्ज मैं चुकाने के काबिल नहीं। चुकाने के काबिल नहीं, लेने के काबिल थे। चाचा जी बोलो, पिताजी ने आपसे जितना भी कर्जा लिया है ना, आप आज शाम तक मेरे घर से आकर सूद समेत ले जाइएगा। देखो बेटा, ये कुछ बात हुई है? अरे बेटा, मैं शाम को कितने बजे आऊं? 8 बजे आ सकते हैं। जब तुम कहो। भोजन भी हमारे घर की, ये अपना घर है भाई। शहर से बहुत कमा के आए दिखते हो बेटा, है कोई बात। पिताजी आप खामो खा परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपने ये भी नहीं पूछा कि ये कौन है। ये सुधा है, गांव सुधार के लिए आई। बहुत अच्छा किया बेटी, बहुत ही अच्छा किया। बेटी कुछ दिन तो रहोगी ना यहाँ? अब और कहाँ जाएगी पिताजी, पहले भी सिवाय बाप के इनका और कोई नहीं था, अब तो बेचारे वो भी नहीं रहे। क्या उनका देहांत हो गया? जी हाँ जी हाँ। ये पिताजी संभाल कर रख लीजिए, 10 लाख रुपए। 10 लाख? जी हाँ, पहले तो 25 लाख रुपए थे। 25 लाख? हाँ, कुछ पैसों से ट्यूबलेस लगवा दिए गए, कुछ किसानों में बढ़वा दिए गए, कुछ ट्रैक्टर खरीद लेके जो आज शाम तक यहाँ जाए। मुझे इतने रुपया आया कहाँ से? पिताजी सुधा के पिताजी ने सुधा के लिए कमाया था, तब आगे इनकी मर्जी जैसे जा सकते। ये आज तुम्हें क्या हो गया? इधर से उतर, इधर से उतर, उधर से इधर। अरे वो हृदयनाथ का लड़का है ना, उसने आज 8 बजे मुझे भोजन के लिए बुलाया। पराए घर का भोजन तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। खाली भोजन ही नहीं है, साथ में दक्षिणा भी है। तुम नहीं, नहीं, आप कौन हैं? मेरा नाम अनोखा है। बहुत अच्छा नाम है। तो अनोखे लाल जी, आपकी बिल्कुल कोई दुश्मनी तो नहीं है? मैं हर उस आदमी का दुश्मन हूँ जो देश का दोस्त नहीं है, जो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग और स्मगलिंग करके कानून की आंखों में धूल झोंकता है। मगर मैंने कभी कोई इतने नीच और गिरे हुए इंसान है जो अपने जाल में सीधे साधे लोगों को फंसा कर उनका खून चूसते हो। तुम इतने दलील हो जो अपनी तिजोरी भरने के लिए बच्चों तक नहीं छोड़ते। मैंने किसी बच्चे को? तुम्हारे जैसे आदमी को तो भरे चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। कन्हैया लाल, तुम्हारे हाथ पैर काट कर सड़कों पर फेंकवा देना चाहिए ताकि दुनिया वाले देखें और सबक सीखें। अब फिर कोई ऐसा काम नहीं कर सके जिससे देश को नुकसान पहुंचे। भाई मेरे, मैं गांव के एक कोने में पड़ा हुआ देश का क्या नुकसान कर सकता हूं? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं सेठ, तुम जैसे देशद्रोहियों की बात कर रहा हूं। तो जब मेरा कुनबा सारे देश में पहला हुआ है तो सबको इकट्ठे बुलवाकर चढ़ा दो फांसी, अकेले मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं? आज तुम्हारी बारी है। मगर क्यों, आखिर आप चाहते क्या? कागजात निकालो। कागजात? कौन से कागजात? राम, अब पता चला कौन से कागजात? वो कागजात तो बेटा मैं लाया ही नहीं। अच्छा, तो यानी आप 25,000 रुपए लेने जा रहे थे, खाली आ जा रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे यहाँ भोजन करने जा रहा था। भोजन करने जा रहे थे? भोजन करने जा रहा था? तो फिर निकाल दो कागज। निकाल। मुँह तो उस समय तक उधर नहीं होगा सेठ कन्हैया लाल जब तक तू भरी पंचायत में ये नहीं कह देगा कि मेरे पिताजी ने तुझसे कोई उधार नहीं लिया था। ये कितने फखर की बात है कि हमारे गांव में हृदयनाथ जय श्री।
ही हृदयनाथ जैसे महापुरुष पैदा हुए। अब ये तो मैंने आजमाने के लिए हृदयनाथ श्री 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 हृदयनाथ पर ये झूठा इल्जाम लगाया था कि इन्होंने मुझसे 25,000 रुपए उधार लिए थे और ये भी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हृदयनाथ श्री हृदयनाथ ने मुझसे कोई कर्जा वर्जा नहीं लिया, बल्कि आज मैं अपनी तरफ से नए अस्पताल के लिए 5,000 रुपए चंदा देता हूँ। झूठ बोलने का जुर्माना? हाँ, और झूठ बोलने के जुर्माने के लिए 5,000 और देता हूँ। राम बाबू, मास्टर जी ने अस्पताल का वादा किया, सेठ कन्हैयालाल ने 10,000 रुपयों का और आपने कुएं और ट्रैक्टरों का। तो इससे पहले भी कई नेता आए और वादे करके चले गए लेकिन वादे पूरे ना हुए। यही तो फर्क है उनके वादों में और मेरे वादे में। वो कहते हैं फिर करते हैं, हम करते हैं फिर कहते हैं। आ मेरे साथ। तुमको इस धरती का भगवान, धरती का भगवान। भाग्य विधाता हो, भारत के भाग्य विधाता। एक ही गांव से तो नहीं है, सारे देश से तुम्हारा है नाता। सारे देश से हमारा है नाता। तुम इतनी फसल बढ़ाओ और इतना अनाज उगाओ, भूखा कोई ना सोए, अरे भूखा कोई ना सोए, अपने देश का इंसान, देश का इंसान। धरती है हमारी जान, पत्थर से पानी निकाले तो पत्थर से पानी। मिलती है तुम्हारे ही दम से सारे इंसानों को जिंदगानी, सारे इंसानों को जिंदगानी। ओ जहाँ जहाँ पे वीराना, तुम उसको बाग बनाना। यही आज का है धर्म, यही आज का है धर्म, यही तो है ईमान, यही तो है ईमान। धरती है हमारी जान, जान लगाकर कोई धान। धरती है हमारी जान, जान लगाकर कोई धान।
मैं कहता हूँ तुमको, पर मैं कहता हूँ तुमको, इस धरती का भगवान, धरती का भगवान, धरती है हमारी जान, जान लगा कर कोई दान, धरती है ये लोग। मैं इसका होने वाला पति हूँ मास्टर साहब। ये बिल्कुल झूठ है। झूठ है क्या? ये झूठ है कि बचपन में तुम्हारी और मेरी सगाई हो चुकी? क्या ये झूठ है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए अमेरिका से आया? क्या ये झूठ है कि राम ने नकली खन्ना यानी नकली मैं बनकर तुम्हें धोखे से अपनी जान में फंसाया? राम, क्या ये सच है कि तुमने नकली खन्ना बनकर सुधा को धोखा दिया? सुधा को नहीं, इसने हमको भी धोखा दिया है। इसने हमारा 5,00,000 रुपया लूटा है। राम, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये सब ट्रैक्टर हमारे रुपए से लाया है। अगर हमारा रुपया हमको नहीं मिला तो हमारा बॉस हमारी जान देने का। राम, तुमने तो कहा था कि दौलत सुधा के स्वर्गवासी पिता देगा। सुधा के पिता स्वर्गवास नहीं हुए, लेकिन आपने उन्हें नर्कवास करने का पूरा पूरा सामान कर रखा। मास्टर जी, इस बेवकूफ लड़की का बाप मैं हूँ। मैं हाँ बेटी, मैं तुम्हें और अपनी खोई दौलत वापस लेने के लिए आया हूँ। मास्टर जी, मैंने सुना था कि आप गांव वालों का अच्छा चाल चलन, ईमानदारी और देशभक्ति की शिक्षा देते हैं। क्या सिखाया आपने अपने बेटे? दूसरों की जिस पर हाथ डालना, उनका पैसा लूटना और देश का नाम लेकर लाखों रुपए हड़प कर लेना। ये लाखों रुपए भी आपकी मेहनत का नहीं है मिस्टर मनचंदा, बल्कि सारी दौलत स्मगलिंग करके पैदा की है। स्मगलिंग के इल्जाम में भी उतनी सच्चाई है जितनी इस बात में कि मैं स्वर्गवास हो चुका हूँ। देखो मिस्टर, अगर मेरी बेटी और मेरी दौलत मुझे वापस न मिल गई तो मुझे मजबूर होकर पुलिस की मदद लेना पड़ेगा। जो पुलिस के साये से भी डरता हो, पुलिस की मदद क्या लेगा? मैं पुलिस के साये में आया हूँ राम। इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं, पुलिस की जरूरत नहीं। राम, तुम्हें अगर मेरी इज्जत की जरा भी परवाह है तो सैयद जी की दौलत तो इनकी बेटी इनके हवाले कर दो। ये दोनों चीजें अब इनकी नहीं रही और न ही इनके पास वापस जाएंगे। हाँ मेरे पास। राम रुक जा, राम राम, तुम्हें गंगा की कसम, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। डाल दीजिए हथकड़ी। हवालदार, डालिए हथकड़ी। नहीं राम, मैंने तुम्हें गंगा की कसम दी है। पिताजी, मैं भी उसी गंगा की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर यहाँ असली पुलिस होती तो मैं अपने आप को इनके हवाले कर देता, मगर ये नकली पुलिस सिर्फ मनचंदा के पालतू कुत्ते हैं। यही है वो लोग जिनकी बदौलत सेठ मनचंदा स्मगलिंग करके लखपति बन गया है। राम, लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथ में। अब तक तो तुम्हारे गंदे हाथों से मैं मरूंगा नहीं, और अगर मैं मर भी गया तो फिर जन्म लूंगा, बार बार जन्म लूंगा, और तब तक जन्म लेता रहूंगा जब तक कि तुम जैसे गंदे आदमी देश से हमेशा हमेशा खत्म नहीं हो जाते। हट जाओ सुधा, हट जाओ सुधा। खबरदार, अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो। राम राम, पिताजी आप भी मत पड़िए। नहीं नहीं खन्ना, गोली मेरी बेटी को मिला। आप बेफिक्र रहिए। सेठ जी, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ, आपके हाथ कभी नहीं आएगा। मास्टर जी, जो तुम्हारे हाथों से निकल गया है उसे मैं ही काबू कर सकता। आप क्या काबू कर सकते हैं? अगर आप कुछ कर सकते तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। अगर उसे पकड़ना है तो मुझे भी अपने साथ लेकर। अच्छा, तुम वहाँ जाकर क्या? अपना पिस्तौल मेरी गर्दन पर रख देना, वो अपने आप को आपके हवाले कर देगा। अच्छा आइए।
तुमने मेरी दौलत और मेरी बेटी मेरे हवाले नहीं की तो मैं तुम्हारे बाप को गोली मार दूंगा। पिताजी, मुझे कानून के हवाले करने के लिए आपकी ही एक चाल है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपकी इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने देता, लेकिन ये आदमी इतना कमीना है कि आपको सचमुच ही गोली मार देगा, इसलिए मैं इसकी बेटी इसके हवाले करता हूँ। नहीं राम, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम समझती हो कि तुम्हारे लिए मैं अपने पिताजी की जिंदगी कुर्बान कर दूंगा? अगर मैंने तुम्हारा नमक नहीं खाया होता तो आज तो जिंदा नहीं बच सकता था। कमीने, मेरे पाप के गले पे पिस्तौल रखकर मुझ पर काबू करना चाहता था। राम, अगर तुमने सुधा इनकी दौलत इनके हवाले नहीं की तो मैं तुम पर गोली चला दूंगा। सुधा मेरी है और दौलत देश की है, इन दोनों में से मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा। जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? पिताजी, आप जान लेने की धमकी दे सकते हैं, जान नहीं ले सकते। अगर तुमने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की तो मैं सचमुच गोली चला दूंगा। अब आपको अपनी बेटी की जान लेने का अधिकार बेशक है, लेकिन अपनी बहू को विधवा बनाने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं। हाँ, ये मत भूलो कि जब तक तुम्हारे पिता तुम्हारा कन्यादान नहीं कर देते तो मेरी बहू नहीं बन सकती। डैडी, देखिए, एक बात ये है जो अपने असूलों, आपकी इज्जत और देश की भलाई के लिए अपने बेटे की आहुति तक देने के लिए तैयार है, और एक बात आप हैं जो अपनी झूठी शान, अपनी मतलब के लिए देश के दुश्मन बन रहे हैं। बेटी, ये बेईमानी या ईमानदारी से कमाई हुई दौलत के रुपया पैसा मैं अपनी छाती पर रखकर नहीं ले जाने वाला हूँ। ये सब कुछ मैंने तेरी भलाई, तेरी बेटी के लिए किया था। मेरी भलाई सोने चांदी के सिक्कों की झंकार में नहीं, मेरे गहरात की चमक में नहीं, बल्कि सच में और ट्यूबवेल्स की आवाजों में है, देश के भूखे नंगी लोगों की नई उम्मीदों में है। ये दौलत जो आप ले जाना चाहते हैं, आपने कमाई जरूर है लेकिन अच्छे रास्तों से नहीं। अगर आप अपनी बेटी की खुशी देखना चाहते हैं तो इसे देश की भलाई के लिए राम के साथ ही रहने दीजिए। ये पत्थर दिल लोग हैं सुधा, तुम्हारे आंसू से नहीं पिघलेंगे। आओ मेरे साथ। नहीं राम, मेरा साथ तुम्हारे लिए मौत बन सकता है, तो मुझे तुम्हारी विदाई मंजूर है। सुधा, रुक जा राम। नहीं मास्टर जी, ऐसा मत कीजिए। मैं इसी वक्त अपनी बेटी या कन्यादान अपने हाथों से करता हूँ। आज से मेरी बेटी आपकी बहू भी है, और आपके बेटे ने गांव वालों के लिए जो कुछ भी मुझसे लूटा है मैं ये समझ लूंगा कि मैंने खुशी से उसे दहेज में दिया। दहेज तो आप मुझे देने वाले थे अंकल, अब उसके अलावा मेरे 20 लाख रुपए भी। इस मामले में खुद तुम्हारे बाप से बात कर लूंगा। चटकट में बात कीजिए अंकल, या मेरा रुपया या ये लड़की। हाल से बात करो बरखुरदार, अब ये मेरे खानदान की इज्जत है। तुम्हारे खानदान की इज्जत और मेरे खानदान की बेइज्जती है। मैं अब इस लड़की को यहाँ से ले जाऊंगा। खबरदार भाई, रुके रहे हैं ये पागल बुलाओ। Thank you.
सुनो। एक बदमाश और भी है, मेरा बेटा। इसने जो कुछ किया है देश की भलाई के लिए, लेकिन कानून के खिलाफ। अगर मैंने कुछ किया है तो सिर्फ इतना कि जनता का पैसा जनता को वापस लौटाया है। अगर इसे आप जुर्म समझते हैं तो ठीक है, मैं गुनहगार हूँ, ले चलिए मुझे। इसका इंसाफ मैं अदालत से मांगूंगा। सुधा, हो सकता है मुझे जेल भी जाना पड़े, तो मेरा इंतजार मत करना। सुना, कोई अच्छा सुना कर देते शादी कर लेना। बरखुरदार अच्छे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं, लेकिन ये अच्छा भी है और अनोखा भी है। पहुंचो लोग सुने, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है, जिस काम को मैंने आप शुरू किया था वो अधूरा रह गया था। ये काम अब अधूरा नहीं रहेगा बेटा, इसे मैं पूरा करूंगा, हम सब पूरा करेंगे। बेफिक्र रहे छोटे बाबू, हम सब पूरा कराते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो खास किस्म का शरीफ इंसान रहूं नहीं, इससे पहले कि मीसा वाले मुझे गिरफ्तार करें मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। बेटा न करो बेटी, जिंदगी में एक घड़ी ऐसी भी आती है जब दूसरों के लिए खुद को भी कुर्बान कर देना पड़ता है। देश के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बेटी, बहुत। अपना देश विदेश के आगे हाथ न फैलाए, आज जहाँ है रेत कल वहाँ एक मुस्कुराए, आज जहाँ है रेत कल वहाँ एक मुस्कुराए। ऐसा करो के गाँव गाँव में गंगा लहराए, सभी